हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित, आप देख रहे हैं किंग ब्लॉग टेंडवी चैनल। हम आए हैं ब्लॉग के पास। यहाँ पे शिवलिंग के जैसा ही यहाँ पे मंदिर बनाया गया है और आज आप लोग को इसी का ब्लॉग दिखाएंगे। और आप लोगों का जहाँ कहीं का भी ब्लॉग दिखना होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा कि यहाँ का ब्लॉग दिखाओ, वहाँ का हम ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे। और चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसा प्रतिमा है यहाँ का। हाँ तो फ्रेंड्स, यही है मंदिर जो शिवलिंग के जैसा है और यहाँ पे पास में ही अष्टजाम हो रहा है, इसी के वजह से आवाज़ थोड़ा स्लो जा रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा लोग। चलिए आप लोग को चारों बगल से इस मंदिर को दिखा देते हैं। हाँ तो ये देखिए, ये साइड जो साइड से है इसका व्यू कैसा है, चलिए आगे से दिखाते हैं आप लोग को। देखिए फ्रंट वाला गेट है जो यहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है। चलिए अंदर यहाँ पे प्रवेश करते हैं। आगे से देखिए इसका कितना अच्छा नज़ारा है। और ये शंकर भगवान का ऊपर जो शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ पे शेषनाग का भी प्रतिमा बनाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस, चलिए हम इस मंदिर का चारों बगल से दिखाकर आप लोग को मंदिर के अंदर लेकर चलेंगे। अंदर कैसा प्रतिमा दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पीपल का पेड़ है, जिसे ब्रह्म बाबा माने कहा जाता है गांव में, और इनको यहाँ पे भी पूजा किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी रखा गया है शंकर भगवान, गणेश जी का, पार्वती जी का यहाँ पे मूर्ति है। और ये ब्रह्म बाबा का जो ये पत्थर है, इस पर पूजा किया जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बजरंग बली का ध्वजा जो कहा जाता है वह है, यहाँ पे भी पूजा हुआ है। हाँ तो गाइस, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा भी मंदिर बनाया गया है शंकर भगवान का, जो शिवलिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पूजा हो रहा है। भगवान का जो शिवलिंग है, इसी के यही शिवलिंग के जैसा ये मंदिर बनाया गया है। ये साइड का जो नजारा है, और यहाँ पे यज्ञ हुआ होगा उस समय का, ये है हवन करने के लिए, हवन कुंड है ये। अरे देखिए साइड से कितना सुंदर पेंटिंग किया गया है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये जो मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पे छठ माँ का मूर्ति भी है, यहाँ पे छठ पूजा भी किया जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, जल्दी चलते हैं यहाँ पे अंदर। और चलिए मंदिर का ये जो साइड है, जो शिवलिंग का मंदिर है, उसी के गोल गोल घूम के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। डिजाइनिंग इसका बहुत अच्छा है, देखिए कितना तरीका से डिजाइनिंग इसका बनाया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पास में घर भी है, ये देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, काफी ज्यादा मैंने घर भी है यहाँ पे, सरकारी भवन भी है इधर साइड में, दिखा रहे हैं आप लोगों को।
हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए मंदिर में ताला लगा हुआ है, पता नहीं क्यों लगा हुआ है ताला। और इसमें अंदर बजरंगबली का मूर्ति बनाया गया है जो काफ़ी अच्छा है, आप सब देख सकते हैं। बाहर से ही दिखा रहे हैं गेट के बाहर से, और काफ़ी सुंदर है। और कभी हम लोग को टाइम मिलेगा तो जब ये गेट खुला रहेगा सुबह में, तो हम लोग आ करके अंदर से इसका पूरा अच्छा से प्रतिमा दिखाएंगे, बहुत बढ़िया से अंदर का जो व्यू है वो भी दिखाएंगे आप लोग को। और ये देखिए ताला लगा हुआ है, इसी के वजह से हम लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो व्यू है, जो इसका नज़ारा है, इसको आप लोग को थोड़ा दूर से आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं हम, कि दूर से आप लोग देखें कैसा लग रहा है इसका नज़ारा। जो और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये मंदिर कैसा लगा। ये पीपल के डार के वजह से ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों पास से तो दिखाए हैं, बहुत अच्छा दिख रहा होगा। चलिए साइड से भी दिखा दे रहे हैं हवन कुंड कैसा है। ये देखिए साइड से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखिए जो बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, कितना मैंने परेशानी से बनाए हैं, शेष नाग का भी ऊपर प्रतिमा बना दिए हैं, समझिए कितने परेशानी से बनाए होंगे, क्या कला है ये बनाने का। चलिए चलते हैं हवन कुंड के पास। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हवन कुंड हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा मैंने यहाँ का ओपनिंग जो स्थापना हुआ है मंदिर का, ढेर दिन हुआ होगा, एक दो साल लग रहा है, एक दो साल के भीतर में ही हुआ होगा, क्योंकि हवन कुंड देखने से यही तो लग रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा जो शिवलिंग की तरह मंदिर बनाया गया है ब्लॉक मोड़ के पास, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आकर आप लोग जरूर एक बार विजिट कीजिए। और अफसोस आप लोग को हम लोग बजरंगबली का अंदर का जो व्यू है वो नहीं दिखा पाए, लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम लोग अगले पार जब आएंगे तो आप लोग को जरूर अंदर का व्यू दिखाएंगे। और ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो ये ब्लॉग है शिवलिंग की तरह जो मंदिर बनाया गया है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे ब्लॉग को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए आप लोगों के पास चौंपे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।